दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा वोल्टिस मीटर को कैसे रिपेयर किया जाता है। आप जो ये देख रहे हैं ये एक ओल्ड वोल्टिस मीटर है जो स्टेबलाइजर के अंदर लगा हुआ था। तो चलिए दोस्तों इस वोल्ट मीटर की रिपेयर कैसे की जाती है इस वीडियो में हम डिटेल के साथ सीखते हैं। इसकी रिपेयरिंग करने से पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। खोलने की प्रोसेस बहुत ही ईजी है। इसके पीछे चार स्क्रू लगे रहते हैं, आपको क्या करना है इनको खोल लेना है। तो फ्रेंड्स अब इसको देखते हैं खोलकर। ओ तो खोलने के बाद जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ उसके अंदर एक कॉइल है ये, और इसके अंदर एक एनालॉग सुई लगी हुई है। पहले तो आप इस सुई को देखिए कि ये सुई हमारी फ्री है या नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी फ्री है। जब ये सुई हमारी फ्री है तो इसका मतलब यहाँ जिसका मैकेनिकल सेक्शन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो डिपार्टमेंट लाइट वाला यानी कि जो कॉइल वाला है उसको चेक कर लीजिए, ये भी हमारा बिल्कुल ओके है, कहीं से कोई भी जला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इसके इनपुट टर्मिनल की तरफ आ जाते हैं। जो लाइन में दो इनपुट टर्मिनल्स हैं L1 L2, यहाँ से हम AC सप्लाई न्यूट्रल एंड फेस को इनपुट कराते हैं। तो जब हम इस एक टर्मिनल की बात करते हैं तो यहाँ से जो इसका आउटपुट निकला है वो यहाँ निकला है और इस पर एक हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो दिखाई नहीं दे पा रहा सही तरह से कितने ओम की रेजिस्टेंस है। फिलहाल कोई नहीं, जितने भी ओम की हो रहती है। तो यहाँ से देखते हैं रेजिस्टेंस का इनपुट टर्मिनल और आउटपुट ये है। तो आउटपुट से एक देखिए आपको वायर दिखाई देता होगा, तो ये वायर हमारा लगा हुआ है, बहुत महीन वायर है। देखिए फ्रेंड्स दूसरा टर्मिनल इनपुट ये वाला हो जाता है, इससे भी एक वायर निकला है और उसको देखते हैं शायद आपको दिखाई देता होगा। ये है फ्रेंड्स, ये हमारा टर्मिनल से अलग है, ये जलकर यहाँ से टूट चुका है। हमारी रेजिस्टेंस भी ओके है, कॉइल भी ओके है, सब कुछ ओके है, ना कहीं से कोई जली हुई है, लेकिन ये एक वायर टूटा हुआ है। तो इस वायर को हम इस टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। इस वायर को हमने यहाँ पर देखिए लगा दिया है, इसके बाद हम इसको अभी टेस्ट करके देखते हैं ये चल रहा है या नहीं। और इसकी इनपुट टर्मिनल पे पावर सप्लाई देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। तो आपने देखा एक वायर टूटने की वजह से पूरा मीटर डैमेज था, ये वायर हमने इसमें लगा दिया है और ये मीटर हमारा एकदम फर्स्ट क्लास ओके कंडीशन में पहुंच चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों वोल्ट मीटर की रिपेयरिंग की जाती है। दोस्तों एक चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें, कभी आपकी कॉइल जल जाती है तो आप उसमें रिपेयरिंग ना करें, क्योंकि जलती है तो जलने के बाद में वो डैमेज ही हो जाती है, उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो आपने जिस तरह से मीटर को खोला था हमने उसी तरह से इसको दोबारा फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद जय भारत।